6 अप्रैल 1930 की सुबह सब लोग गांधी जी के साथ समुद्र तट पर गए। गांधी जी ने समुद्र में गोता लगाया, किनारे पर लौटे और लहरों का छोड़ा हुआ कुछ नमक उठाया। इस प्रकार गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के उस कानून को तोड़ दिया जिसके अनुसार सरकारी ठेके से न लिया हुआ नमक रखना गुनाह था। महात्मा गांधी की जीवनी गांधी जी की कहानी के लेखक लुई फिशर ने लिखा है, एक शक्तिशाली सरकार को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते हुए चुटकी भर नमक उठाना और मुजरिम बन जाना, इसके लिए एक महान कलाकार की सूझबूझ, शान और प्रदर्शनात्मक बुद्धि की आवश्यकता थी। चुटकी नमक बनाते ही भारत भर हिल गया, हिंसात्मक आंदोलन शुरू हो गया। समुद्र के किनारे हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, गांवों में लाखों लोग नमक बनाने लगे, लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी भी गिरफ्तार कर लिए गए। नमक आंदोलन दांडी मार्च के पूर्व उन्होंने वायसराय को पत्र लिखा था, लेकिन एरविन ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। गांधी जी ने तब कहा था, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिले। इसके पूर्व 12 मार्च को महात्मा गांधी ने साबरमती के आश्रम से अपने 78 सदस्यों की टोली लेकर दांडी मार्च पैदल मार्च किया था, जो 5 अप्रैल को दांडी पहुंचा था। इस तरह महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा किया था और यह देश की आज़ादी का माइलस्टोन साबित हुआ।